नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। नैनीताल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशों के बाद पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार की रात पुलिस द्वारा लखनपुर चुंगी पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान इस क्षेत्र में दो युवक अपने वाहन से गुजर रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस से अभद्रता की गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हीरा सिंह भंडारी का आरोप है कि वो अपने एक अन्य साथी के साथ कल रात लखनपुर से आ रहे थे। इसी बीच एक महिला सिपाही द्वारा जबरन उनकी गाड़ी की चाबी निकाल कर अभद्रता की गई। साथ ही उनका आरोप है कि इसी बीच मौके पर मौजूद कोतवाल अरुण कुमार सैनी द्वारा उनके साथ हाथापाई कर थप्पड़ मारने के साथ ही उनको लात मार कर जबरन थाने लाया गया। इस दौरान मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि चेकिंग के दौरान उक्त छात्र नेता द्वारा ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि छात्र नेता को कोतवाली लाकर सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा जाया। मेडिकल में छात्र नेता के शराब पीने की पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं के तहत छात्र नेता का चालान कर उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। वहीं कोतवाल का कहना है कि छात्रों द्वारा पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की भी बात कही है। तो वहीं रात में ही छात्रों ने कोतवाली में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कोतवाल का पुतला भी दहन किया। वहीं घटना के विरोध में बुधवार को छात्र नेताओं ने कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कोतवाल और महिला कांस्टेबल को बर्खास्त करने की मांग की है। ये मामला कल शाम की बात है, अंधेरा हो गया था और मैं और मेरा साथी पर घूमते आते लखनपुर चुंगी को, तो वहाँ पे हमें रोका गया, पुलिस द्वारा रोका गया और हम रुके वहाँ पे। उसके बाद हमको चाबी छीन गई, हमने तब उठे हमसे चाबी को छीन दो, तो वो जहाँ पे जो लेडी पुलिस वाली थी उन्हें थप्पड़ मार दो छुटते ही। उसको थप्पड़ मारने का कोतवाल साहब वहाँ से दौड़ता, उन्हें थप्पड़ मारा, उन्हें लात मारी भाई पूरा, और हमने इतना पूछा था, हमें वहाँ पे उठा के लेके आ गए और यहाँ पे आके हमें यहाँ पे थाने में लेके आ गए। इसे बदली जाए हमारे साथ ही चुंगी पे, जब कल पूरी बात हुई कि कैमरा हम खुलवाएंगे, कैमरा खुलाने अगर तुम्हारी गलती है ठीक है, मैं गलती नहीं है, कैमरा खुलाओ, हम करें कैमरा खुलाओ, कैमरा लखनपुर चुंगी का मेन चौराहा में कोई घटना होती है उसका जिम्मेदार पुलिस पर शासन होगा, और वहाँ के कैमरे खराब है उनके, यहाँ से जो मेन रामनगर का चौराहा है, अगर मेरे साथ जो बदमाशी है हर किसी के साथ हो रही है, कितने लोग ऐसे घूम रहे बदमाशी, और मेरे सामने आत्मसम्मान जाकर ठेस पहुंचा है, मगर मैं आत्मदाह करता हूँ उसका जिम्मेदार कोतवाल होगा, रामनगर कोतवाल होगा, और जो लेडी पुलिस आई थी उनको जिन थप्पड़ मारा उनको जिम्मेदार होगी, उनको बर्खास्त करे कोतवाल साहब को, बर्खास्त करे, सस्पेंड करे उन्हें, क्योंकि ऐसा मानने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। वो कोतवाल साहब ने मारा और जो लेडी पुलिस आई थी उन्हें मारा। कल शाम को वाहन चेकिंग आंदोलन लखनपुर पर दो युवकों को शराब के नशे में वाहन चलाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा पुलिस से अभद्रता की गई, पुलिस द्वारा मैन हैंडलिंग कर उनको गिरफ्तार किया गया तथा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई है। चूंकि उनमें से एक हीरा भंडारी छात्र संघ से कनेक्टिंग रहा है, तो उसके सहयोग में ये लोग गलत तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके अगर संवैधानिक दायरे में रहते हैं तो ठीक है, और अगर कानून हाथ में लेंगे तो इनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि चेकिंग के दौरान उनको रोका गया, दोनों युवक जो शराब के नशे में थे और उनके द्वारा पुलिस से जो है हाथापाई करने की कोशिश की गई, और अन्य इसलिए पुलिस द्वारा मैन हैंडलिंग की गई है और उनको गिरफ्तार कर आवश्यक बल प्रयोग उनको गिरफ्तार किया गया है, और उनको जो है बाद में जमानती अपराध होने पर जमानत भी दे दी गई थी। रामनगर में वाहन चेकिंग के दौरान छात्रों की और पुलिस के बीच हुई तीखी झोंक के बाद छात्रों ने रामनगर कोतवाली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार को कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी और एक महिला कांस्टेबल को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार की रात रामनगर पुलिस द्वारा लखनपुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि इसी बीच दो युवक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया, लेकिन उसके बाद वहाँ बाइक में मौजूद युवकों द्वारा महिला कांस्टेबल
ऑटोमोबाइल के साथ जहाँ एक और अभद्रता की गई तो वही मौके पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ भी हाथापाई करने का प्रयास किया गया। रात्रि में ही कोतवाली में छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा काटा तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हीरा सिंह भंडारी का आरोप है कि वो अपने दोस्त के साथ लखनपुर से बाजार की ओर आ रहे थे। इसी बीच उनका आरोप है कि एक महिला कांस्टेबल द्वारा जबरन उनकी गाड़ी की चाबी निकालकर उनके साथ अभद्रता की गई तो वहीं मौके पर मौजूद कोतवाल द्वारा उनके साथ थप्पड़ मारने के साथ ही उन्हें लात मारी गई, जिसके घटना के विरोध में रात में भी छात्रों ने हंगामा करते हुए रामनगर कोतवाल का पुतला दहन किया। तो वहीं इस मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि छात्र नेता हीरा सिंह भंडारी और जो साथ में मौजूद युवक था दोनों शराब के नशे में थे, जिनके द्वारा महिला कांस्टेबल और पुलिस के साथ अभद्रता व हाथापाई करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि इन छात्रों को तुरंत कोतवाली लाकर इनका अस्पताल में मेडिकल कराया गया जहाँ शराब पीने की पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि उसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत चालान कर इनको थाने से रात्रि में जमानत दे दी, लेकिन आज उसके बाद बुधवार को फिर से छात्र नेता आंदोलन पर बैठ गए। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, यदि छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया उन्होंने कहा जबरन पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों का जो गुंडागर्दी है या किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी शहर में सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन में जो अनावश्यक रूप से पुलिस पर दबाव बना रहे हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जय जैन। ये रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJN News के साथ। धन्यवाद।